हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको 9 ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको एकदम शॉक कर देंगे और आपने ये कभी पहले नहीं सुने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या आपको पता है कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया 11 टेस्ट मैच सीरीज आपस में खेले हुए हैं, लेकिन श्रीलंका सिर्फ एक दफा ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच सीरीज जीता है, और वो कब था? 1999 में। और वो भी कैसे जीता था कि दो मैचेस ड्रॉ गए थे और एक मैच श्रीलंका जीत गया था, तो इस वजह से वो सीरीज जीत गए थे। तो एक बैटिंग ऑलराउंडर है जिसकी विकेट्स शेन वॉन द ग्रेट लेग स्पिनर उससे भी ज्यादा हैं, कोई और नहीं बल्कि हैं सनत जयसूर्या। श्रीलंका के प्लेयर हैं और उनकी जो विकेट्स ओडीआई में विकेट्स हैं वो शेन वॉन से ज्यादा हैं। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? नहीं, मैंने भी नहीं। तो एक ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन कितने हो सकते हैं? 6 सिक्सेस। एक नॉर्मल बंदा यही कहेगा कि 6 छक्के लग जाए 36 स्कोर होगा। नहीं, एक ओवर में जो सबसे ज्यादा रन बने हुए हैं वो है 77 रन, और वो पड़े थे बर्ट वांस को, एक इंग्लिश प्लेयर हैं। उनको कैनबरी के मैच में 77 रन एक ओवर में पड़े थे, और वो क्यों पड़े थे? सिचुएशन कुछ ऐसी थी, दो ओवर्स में अगली टीम को 90 रन चाहिए थे और बर्ट वांस ओवर कराने के लिए आए, तो उन्होंने जानबूझ के अगली टीम को इनकरेज करने के लिए 22 बॉल्स की एक ओवर कराया, 22 बॉल्स का एक ओवर जिसमें 17 नो बॉल्स थी। ये ओवर हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव ओवर साबित हुआ। एक ऐसा प्लेयर है जो जिसने जब डेब्यू किया तो उसके बाद वो 96 टेस्ट मैचेस खेला ऑन द ट्रॉट कंटिन्यूसली, ठीक है, तो वो कभी एक दफा भी ड्रॉप नहीं हुआ। अब कितनी ये ग्रेट बात है कि ना तो उनको उनकी फॉर्म की वजह से कभी ड्रॉप किया गया, ना उनकी कभी कोई इंजरी हुई। कौन है वो? एडम गिलक्रिस्ट। उन्होंने डेब्यू किया था अपना 5 नवंबर 1999 में, और वो 2008 तक, 24 जनवरी 2008 तक एक भी मैच में ड्रॉप नहीं हुए, 96 मैचेस कंटिन्यूसली टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने, और ये उनका एक बहुत ही रेयर रिकॉर्ड है। तो इंडिया को 21st सेंचुरी में जितने भी सारे बड़े स्कोर पड़े हैं उनके पढ़ने में एक प्लेयर का हाथ था। किस प्लेयर का? ईशान शर्मा का। ऐसे के 3 स्कोर थे जो इंडिया को 21st सेंचुरी में हाईएस्ट स्कोर बाय बैट्समैन पड़े हैं। वो पहला जो था वो थे एलिस्टर कुक, उन्होंने किए थे 294 रन, और उनका भी कैच ईशान शर्मा ने पहले ड्रॉप किया। उसके बाद थे माइकल क्लार्क 329 रन, उनका भी कैच इनिंग्स में पहले ईशान शर्मा ने ड्रॉप किया। ब्रेंडन मैकेलम 302 किया था उन्होंने, उनका भी कैच ईशान शर्मा ने इनिंग्स में अर्ली ड्रॉप किया। नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो भी इंडियन एक होल्ड करते हैं, बापू नादकर्णी। ऑन 12 जनवरी 1964 उन्होंने 21 ओवर कंटिन्यूसली मेडन कराए थे अगेंस्ट इंग्लैंड, और उनकी इकोनॉमी जो थी वो थी 0.15। अब आप खुद ही हिसाब लें, 0.15 की इकोनॉमी से उन्होंने 32 ओवर्स किए थे जिसमें से 21 उन्होंने कंटिन्यूसली मेडन किए। इंग्लैंड के एक बॉलर विल्फर्ड रोड्स, उनकी फर्स्ट क्लास में विकेट्स हैं 4204, और सिर्फ विकेट्स ही नहीं उनके रन भी 39,604, 4,000 विकेट्स और 40,000 ऑलमोस्ट रन उनके। तो ये एक बहुत ही रेयर रिकॉर्ड है जो वो होल्ड करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा सेंचुरी कर सकता है? नहीं ना। लेकिन एक इंग्लैंड के प्लेयर सर जैक हॉब्स, उनकी फर्स्ट क्लास में 199 सेंचुरीज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वर्ल्ड कप 1975, इंग्लैंड ने टारगेट दिया था इंडिया को 365 का, और सुनील गावस्कर ने क्या रन्स किए आपके सामने हैं, 36 रन्स किए थे 175 बॉल्स पे, और एंड पे नॉट आउट गए थे 60 ओवर्स के मैच में, तो 20 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए प्लीज़ लीव अ लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप ऐसी वीडियोज और चाहते हैं, तो इंशाल्लाह फिर ऐसी वीडियोज और बनाऊंगा। And thank you for watching this video.